हेलो ऑल, वेलकम टू मेरिडियन ओवरसीज। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द ईस्ट ज्यूरिसडिक्शन, दैट इज कोलकाता कॉन्सुलेट। सो अगर हम इसके वीजा आउटकम एंड वीजा प्रोसेसिंग टाइमिंग की बात करते हैं, तो इसका वीजा प्रोसेसिंग टाइमिंग आपका जो रहता है वो मिनिमम 30 to maximum 90 days का रहता है। लेकिन रिसेंटली हमारी एक स्टूडेंट को वीजा रिसीव हुआ है फ्रॉम द कोलकाता कॉन्सुलेट विद इन 15 days ऑफ टाइम स्पेन। अगर उसके सबमिशन की बात की जाए तो शी सबमिटेड हर वीजा ऑन 30th of June और उसको कल उसका वीजा रिसीव हो गया है। तो बेसिकली उसने बहुत सारी चीज़ों का ध्यान दिया, लाइक उसने अपने डॉक्यूमेंट्स अकॉर्डिंग टू द चेकलिस्ट प्रिपेयर किया है, ITRs, फंड, स्पॉन्सरशिप लेटर एंड ऑल द थिंग्स उसने प्रॉपरली शो किया है। फंड की अगर हम बात करते हैं तो फंड उसने 20 लाख अप्रॉक्सीमेटली शो किया था। तो अगर हम इसके इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू का जो मेल आपको आता है वो आफ्टर वीज़ा सबमिशन आता है। इंटरव्यू आपके 2 modes में हो सकता है, या तो स्काइप पे हो सकता है या फिर व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे आपका इंटरव्यू हो सकता है। इंटरव्यू में बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपने इटली को क्यों सिलेक्ट किया अपना स्टडी डेस्टिनेशन, आपने इस कोर्स को क्यों सिलेक्ट किया एंड आपके करियर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं आफ्टर कोर्स कंप्लीशन। सो फ्रेंड्स, अगर आप कोलकाता कॉन्सुलेट के एंड से अपना वीज़ा फाइल करने जा रहे हैं तो आप भी इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। ऑल्सो देयर आर चांसेस, अगर आप सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपका भी वीज़ा आ सकता है। सो फ्रेंड्स, ऐसे मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको कोई भी डाउट है प्रोसेस से रिलेटेड तो आप हमें मेल कर सकते हैं ऑन application02@meridian.org। ऑल्सो आप हमारी कोई भी ब्रांच को विजिट कर सकते हैं फॉर फ्री काउंसलिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर अपडेट। थैंक यू।